संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जब किसी संधारित्र को आदेशित करते हैं तो आदेश को छोटे छोटे भागों में बांटकर संधारित्र को दिया जाता है। इस प्रक्रिया में संधारित्र पर पहले से उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही कार्य संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। माना कि संधारित्र को क्यू आवेश देने पर उसका प्रभाव भी हो जाता है। तो चित्रानुसार आवेश करने में किया गया कार्य ही ग्राफ तथा क्यू अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होगा।
इसलिए डब्ल्यू इक्वल टू ओ ए बी का क्षेत्रफल। डब्ल्यू इक्वल टू हाफ ओ ए इंटू ए बी, ओ ए आधार इंटू ए बी ऊंचाई इक्वल टू हाफ ओ ए है क्यू, ये क्यू है हाफ इंटू क्यू इंटू वी। क्योंकि क्यू इक्वल टू सी वी इसलिए डब्ल्यू इक्वल टू हाफ सी वी इंटू वी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। इसी समीकरण में v के स्थान पर q अपॉन c भी रख सकते हैं, v इक्वल टू q अपॉन c रखने पर w इक्वल टू हाफ q इंटू q अपॉन c इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए इस प्रकार से प्रत्येक प्लेट की पहली प्लेट को पहले प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश से और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ते जाते हैं, इसलिए इस पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है और इस पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश आ जाता है। दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर प्रेरण के द्वारा माइनस क्यू आवेश। थ्री की पहली प्लेट को दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से यहाँ जोड़ देंगे, जिससे इस पर भी प्लस क्यू आवेश आ जाएगा और इसकी दूसरी प्लेट को इस प्रकार से जोड़कर इसे प्रतिगत कर देते हैं।
तीनों संधारित्रों में मान लेते हैं कि पहले संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V2 और तीसरे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V3। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये मान लेते हैं कि A और B के बीच विभवांतर V है। इस प्रकार से श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों को जोड़ते हैं तो पहली प्लेट पर प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। चित्र के अनुसार चूंकि तीनों संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग हैं और विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच अलग अलग हैं, इसलिए पहले संधारित्र का विभवांतर वी वन इक्वल टू क्यू अपॉन सी वन, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के लिए विभवांतर वी टू इक्वल टू क्यू अपॉन सी टू और तीसरे के लिए विभवांतर वी थ्री इक्वल टू क्यू अपॉन सी थ्री होगा। चूंकि बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर वी है, इसलिए V इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री होगा। यहाँ वी वन वी टू वी थ्री के तीनों मान ऊपर से रखने पर मिल जाएगा Q अपॉन सी वन प्लस Q अपॉन सी टू प्लस Q अपॉन सी थ्री। Q कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, इक्वेशन नंबर वन मानेंगे इसको। यदि ए व बी के बीच हम ऐसा संधारित्र रख दें जिसकी धारिता सी हो और उसे क्यू आवेश देने पर उसका विभवांतर वी हो जाए, तो इसे इस प्रकार से हम समतुल्य परिपथ के रूप में खींच सकते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू बिंदु बी विभवांतर वी। तो ऐसी स्थिति में वी इक्वल टू क्यू अपॉन सी होगा और यह परिपथ उन तीनों श्रेणीक्रम वाले श्रेणीक्रम में रखे गए संधारित्रों के धारिता के तुल्य धारिता वाला होगा, इसकी धारिता हम सी मानेंगे। इक्वेशन टू, अतः समीकरण एक व दो से वी का मान क्यू अपॉन सी रखने पर क्यू अपॉन सी इक्वल टू क्यू इंटू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा इसलिए आएगा वन अपॉन सी इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। यह तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्रों की जो तुल्य धारिता है उसके लिए फॉर्मूला है। इसी प्रकार से अगर हम श्रेणी क्रम में कई संधारित्र जोड़ दें तो सभी संधारित्रों की धारिताओं का जो व्युत्क्रम है उनके व्युत्क्रमों का योग संधारित्रों की तुल्य धारिता के बराबर होगा।